मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो जी हाँ गाइस, कुछ ऐसा ही हाल हो रखा है आजकल आलिया भट्ट जी का। और उसका कारण है कि जुम्मा 4 दिन नहीं हुए हैं अभी रणवीर और आलिया की शादी को हुए, और उन दोनों के बीच में कोई तीसरा एंट्री ले चुका है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में काफ़ी तकरार आ गया है। और इतना ज़्यादा आलिया भट्ट इस चीज़ को लेकर चिंता में डूबी हुई है कि उनके चेहरे की रंगत दिन पर दिन उड़ती जा रही है। अब जानने वाली बात यह है कि आखिर इन दोनों के बीच में तीसरा कौन आ गया है, जिसकी वजह से के बीच में तकरार आई है। वैसे तो हम और आप खुद ही जानते हैं कि बॉलीवुड में शादियां कितनी सफल होती हैं। शादी होने के 6 महीने बाद या फिर साल भर के बाद उन्हें अलग ही होना पड़ता है। रीज़न कुछ भी हो, किसी तीसरे का आ जाना या कोई मारपीट करना, रीज़न कुछ भी हो, बट बॉलीवुड के सितारे जो होते हैं शादी करने के बाद, शादी करते ही इसलिए हैं कि वो अलग हो सके। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल 6 महीने में या साल भर में। बट अभी जुम्मा 4 दिन हुए और आलिया भट्ट और रणवीर की शादी का, और कौन बीच में आ गया, ये सोचने वाली बात है। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सुनने में आ रहा है कि आलिया भट्ट और रणवीर जी के रिश्ते के बीच में आकर बस चुकी हैं श्रद्धा कपूर जी, यानी दोनों के बीच में श्रद्धा कपूर जी आई हैं, जो कि इन लोग आपस में इनके मतभेद का कारण बन रही है, बहुत ज़्यादा रफ्तार पकड़ रहा है उनका ये, क्योंकि रणवीर कपूर श्रद्धा जी को अभी डेट कर रहे हैं और वो उनसे काफ़ी मिलजुल रहे हैं, जिससे कि आलिया भट्ट की चिंताएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं और उनका चेहरा उतरता जा रहा है और उनकी चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो गाइस, वैसे तो ये नॉर्मल बात है कि बॉलीवुड में शादी हुई और शादी का टूट जाना 6 महीने में या 12 महीने में, बट जुम्मा 4 दिन हुए और इतनी जल्दी शादी के, मतलब शादी होने के बाद इतनी जल्दी बीच में लड़ाई झगड़े होना, मुझे कुछ हजम नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि चलो इस बात की तहकीकात कुछ अपने तरीके से की जाए। तो जब मैंने इस बात की तहकीकात करी तो मैंने पाया कि श्रद्धा कपूर और रणवीर सिंह आजकल एक शूटिंग के दौरान किसी शूटिंग में व्यस्त हैं, जिसके दौरान उनका आपस में मिलना जुलना रहता है। और दूसरी ओर जो आलिया भट्ट की चिंता का कारण है, तो आलिया भट्ट की चिंता का कारण श्रद्धा कपूर नहीं, बल्कि हाल ही में उनकी आने वाली मूवी ब्रह्मास्त्र को लेकर के है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र में आपको रणवीर कपूर और आलिया भट्ट दोनों ही दिखने वाले हैं। तो आलिया भट्ट को बहुत चिंता सता रही है कि ये मूवी जो है बॉक्स ऑफिस पर कैसी जाने वाली है, लोग इसे पसंद करेंगे कि नहीं पसंद करेंगे। तो उनकी चिंता का कारण कहीं ना कहीं ब्रह्मास्त्र मूवी को लेकर उनकी चिंता का कारण बना हुआ है। तो चलिए, ये बात तो क्लियर हो गई कि फिलहाल अभी आलिया भट्ट को रणवीर कपूर के साथ रिलेशनशिप को लेकर के कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे खुद ही बात ये हजम नहीं हो रही थी कि जुम्मा 4 दिन हुए और इतनी अच्छी जोड़ी, और इन दोनों के बीच में भला कौन आ सकता है, आलिया खुद ही इतनी अच्छी है। तो फिर मैंने तहकीकात करी तो मैंने ये पाया जो मैंने आपको बताया है। तो होप्स हो कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही चटपटी न्यूज़ आप लोग के लिए लाती रहूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा। और इसके साथ साथ मेरी इंस्टाग्राम आईडी है annuavasthi21oct, तो उसको भी जाके फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।